दोस्तों आप जो है सामने पौधा देख रहे हैं, यह है मधुमालती का पौधा। मधुमालती को रंगून क्रीपर भी कहते हैं। इस पौधे में जो फूल आते हैं, ये देखिए गुच्छे की तरह आते हैं बिल्कुल। और इस पौधे को कई लोग जो है अपने घर के आगे, गेट के आगे बिल्कुल शो के लिए लगाते हैं, क्योंकि ये एक बेल वाला पौधा होता है और इसकी बेल जो है पूरी घर के आगे अगर लगा रहे हैं तो पूरा फैल जाता है, और जिससे कि घर के आगे बहुत अच्छे सुंदर फूल दिखाई देते हैं इसमें। ये देखिए कितने अच्छे फूल आते हैं इसमें। पहले ये थोड़े से वाइट कलर के होते हैं, उसके बाद ये इस टाइप के हो जाते हैं, रेड टाइप के, ये देखिए। और ये पौधा जो है ये बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। अगर इसकी टाइम से प्रूनिंग वगैरह करी जाए तो ये इस तरीके से हो जाता है, देखिए पूरा फैल जाता है और इसमें हर ब्रांच से फूल गुच्छों के रूप में आते हैं। तो आज मैं आपको इस पौधे की जो है कैसे ग्रो करा जाए घर में वो तरीका बताऊंगा। तो इस पौधे के बारे में मैं आपको आगे और जानकारी दूंगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। आपको अगर इस पौधे को पॉट में लगाना है, अगर आपके पास ज़मीन में जगह नहीं है, आप इसको अपने गार्डन में पॉट में लगा सकते हैं। 12 इंच से ऊपर के पॉट में लगाएंगे तो इसमें अच्छी ग्रोथ होगी और ये फूल भी अच्छे देगा उसमें। तो आप इसको इस तरीके से पॉट में लगाइए। और इसकी बात करें इसमें मिट्टी की, मिट्टी इसमें वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, जो जिसमें पानी रुके ना, क्योंकि अगर इसमें पानी रुकेगा तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और ख़राब भी हो सकता है। दोस्तों रंगून क्रीपर वैसे तो कई लोग गार्डन में अपने लगाते हैं, लेकिन अगर आप इसको नर्सरी से ला रहे हैं तो ये पौधा जो है आपको 150 से 200 के बीच में मिलेगा। और अगर आप इसको घर में फ्री में उगाना चाहते हैं तो आप इसकी कहीं से कटिंग ले आइए, अगर आपको कहीं मिलता है तो इसकी कटिंग ले आइए, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें जब ये ग्रोथ करता है इस तरीके से तो इसमें देखिए शक्कर आ जाते हैं। शक्कर यानी इसमें नए नए पौधे जो हैं छोटे से ये निकलने लग जाते हैं, बेबी प्लांट, इनको शक्कर कहते हैं। अगर आप एक पौधा ही रखना चाहते हैं अपने पास तो इन शक्कर जो ये निकली हुई है इनको निकाल दीजिए। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, ये देखिए जैसे ये है, इसको जड़ से अगर निकालेंगे तो ये एक आपका पौधा तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसमें जो शक्कर आ जाती हैं उसको आप जड़ से निकाल देंगे तो ये पौधा आपका नया तैयार हो जाएगा। तो आप इससे अपने जो पौधे हैं तैयार कर सकते हैं नए, जितने भी शक्कर वगैरह जितने इसमें नए निकले हैं वो सब निकाल देना है आपने। और देखिए मैंने पौधा जो है ये नर्सरी से लाया था मैं 3 साल पहले, देखिए एक पौधा है और इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। इसकी मैंने रिपोर्टिंग भी करी, अगर आप भी इसकी रिपोर्टिंग करेंगे टाइम से, अगर आपके पास पौधा है तो इसमें अच्छी ग्रोथ तभी ले पाएंगे जब इसकी रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि हर साल इसमें जो है रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। मैंने इस रिपोर्टिंग का वीडियो बना रखा किस तरीके से करनी है रिपोर्टिंग और इसकी प्रूनिंग कटाई छटाई, जिससे कि इसमें अच्छी ग्रोथ हो और ये पौधा घना हो। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उस वीडियो को, और आप उस वीडियो को मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें जो है शक्कर हैं इसको निकाल दीजिए। अगर आपको कटिंग लगानी है तो कटिंग देखिए किस तरीके से लगानी है आपको। कटिंग आप थोड़ी सी मोटी ब्रांच लेंगे, इस तरीके से मोटी ब्रांच लेंगे और इसको ये जो एक दो नोड हैं इसके नीचे से कट करके आप कैसी भी मिट्टी में लगा दीजिए इसको। थोड़ा सा जो मिट्टी में है जो खाद की मात्रा भी हल्की होनी चाहिए तभी ये ग्रोथ करेगा। तो आप इसको कैसी मिट्टी में लगा दीजिए, क्योंकि ये बरसात का समय है, बरसात के समय में कोई भी प्लांट अगर आप लगा रहे हैं कटिंग से तो वो ग्रोथ कर लेता है। और एक तरीका और है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए मैंने जो इसमें जो नए पौधे निकले थे, जो इसकी शक्कर कह रहा था मैं, नए पौधे ये निकाल के देखिए इसमें जड़ें कितनी आ गई हैं। ये देखिए ये मैंने 4-5 पौधे निकाल दिए हैं इसमें से जो शक्कर के रूप में थे। अब मैं इसको ग्रोथ करूँगा नए पौधे बनाने के लिए। उसके लिए आप क्या करना है देखिए, जैसे ये पौधा है, इसको आप ये मिट्टी मैंने तैयार कर रखी, इसमें थोड़ी सी राइस हस्क भी मिलाई है मैंने, इस तरीके से आप इसको इसमें लगा देंगे। देखिए आप अगर नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं, और आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं मिलता है रंगून क्रीपर का कहीं भी पौधा मिलता है तो उसके जो जड़ है, जड़ के आसपास ही आपको पौधे मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो है शक्कर के रूप में एक्स्ट्रा पौधे इसमें से निकलते रहते हैं। इस तरीके से आप इसको लगा देंगे, हल्का सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि ये बरसात का समय है, बरसात के समय में मॉइस्चर रहता है पौधों में थोड़ा,
तो आप इसको 2-3 दिन छाया वाले स्थान में रखिए, उसके बाद आप इसको पूरे दिन की धूप दिखाएंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा था तो शेयर भी करें।